हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो कंट्रोल सिस्टम में पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो वहाँ पे हम लोग देखे थे पूरा उसका सिलेबस देखे थे और उस सिलेबस को हम लोग मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 10 में पूरा डिवाइड किए थे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोल सिस्टम का मॉड्यूल 1, दैट इज माई बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम में हम क्या क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो जो भी हम लोग मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 10 में हम लोग ख़त्म करेंगे और जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे उसका पूरा बेसिक देखेंगे हम मॉड्यूल 1 में, जो कि है मेरा बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज ए सिस्टम। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे कंट्रोल सिस्टम क्या है। चलिए, तो पहला है व्हाट इज ए सिस्टम। व्हाट इज ए सिस्टम, तो सिस्टम क्या है, तो सिस्टम क्या है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम, इसको नोट करना आप स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आप वीडियो देखेंगे तो क्या करेंगे, पेन और पेपी रेडी रखेंगे और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप नोट बना के चलते जाएंगे, तो आपका कंप्लीट नोट भी यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम, मैं बोलूँगा ए सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फिजिकल एलिमेंट। ओके, नंबर ऑफ फिजिकल एलिमेंट व्हिच परफॉर्म सम वर्क, ओके, एंड गिव द आउटपुट। ओके, तो सिस्टम क्या है, मैं सिस्टम अगर बोल देखूंगा तो क्या है, तो मेरे पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एलिमेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे सिस्टम, तो इसको हम बोलेंगे सिस्टम, तो उसको हम कुछ इनपुट देंगे। ओके, तो इसको मैं इनपुट दे रहा हूँ, तो अभी क्या करेगा, सिस्टम को हम कुछ इनपुट देंगे और वो सिस्टम क्या करेंगे, उस इनपुट को लेके उसको प्रोसेस करके हमको कुछ आउटपुट वो देगा। दिस इज माई आउटपुट। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे मोटर के बात करूँगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में मोटर के बात करूँगा, तो मोटर में क्या है, मोटर जो है एक सिस्टम है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एलिमेंट, उसको हम इनपुट दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो लेके उसको प्रोसेस करके हमको आउटपुट में क्या दे रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। ओके, सो दिस इज द सिस्टम। ओके, तो ये तो हो गया सिस्टम, देन व्हाट इज माई कंट्रोल सिस्टम, तो कंट्रोल सिस्टम क्या है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ए कंट्रोल सिस्टम। ओके, सेकेंड वन इज माई कंट्रोल सिस्टम। तो ये कंट्रोल सिस्टम क्या है, ओके, तो कंट्रोल सिस्टम क्या है, ए कंट्रोल सिस्टम इज ए सिस्टम, मैं बोलूँगा ए कंट्रोल सिस्टम इज ए सिस्टम व्हिच प्रोड्यूस ए डिजायर्ड आउटपुट, ओके, बाय कंट्रोलिंग एक्शन। ओके, तो मैं बोलूँगा ए कंट्रोल सिस्टम इज ए सिस्टम ओके, व्हिच प्रोड्यूस वो क्या करेगा, प्रोड्यूस और व्हिच कंट्रोल द डिजायर्ड रेस्पॉन्स, कंट्रोल द डिजायर्ड रेस्पॉन्स टू गिव आउटपुट। ओके, तो
अभी क्या करेंगे, अगर मैं आउटपुट को कंट्रोल करना चाहूँगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो अगर उसको कंट्रोल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। तो इस आउटपुट को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, बाय कंट्रोलिंग द इनपुट। मैं अगर उसी मोटर का बात करूँगा तो मोटर जो है एक सिस्टम हो गया, अभी हम क्या करेंगे उस मोटर का स्पीड को कंट्रोल करना चाहेंगे, ठीक है। अगर मैं स्पीड को कंट्रोल करना चाहूँगा तो क्या करूँगा, मैं इनपुट को कंट्रोल करूँगा, नहीं तो और क्या करूँगा, और एक दूसरा डिवाइस लगाऊंगा जो कि मेरा उस मोटर का स्पीड को कंट्रोल करेगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम। तो मेरे को डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, उस डिजायर्ड आउटपुट को पाने के लिए मैं अगर कुछ वहाँ पे कंट्रोल मैकेनिज्म लगाऊंगा तब क्या करेंगे, उसको हम बोलेंगे कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम में क्या होगा, मैं अगर कंट्रोल सिस्टम का बात करूँगा तो ये हो गया हमारा कंट्रोल सिस्टम, दिस इज ए कंट्रोल सिस्टम, ओके, कंट्रोल सिस्टम। तो मैं यहाँ पे उसको डिजायर्ड इनपुट दूंगा, ओके, डिजायर्ड इनपुट देंगे तो भी जाके मेरे को एक डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा, क्लियर। सो दिस इज द कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे हम कंट्रोल सिस्टम को क्या करेंगे, एक ऐसे हम मैथमेटिकल मॉडल में अगर बॉक्स करके हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आगे चल के जब हम मैथमेटिकल मॉडल देखेंगे तो हर एक मैथमेटिकल मॉडल में हमको ऐसा ही एक बॉक्स जैसा मिलेगा, क्लियर। तो दिस इज द कंट्रोल सिस्टम। तो मैं कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल लूँ तो क्या है मेरा, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम, ओके, कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल क्या है। तो आप कोई भी एग्जांपल देखेंगे तो वो है मेरा कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल। क्या है मेरा कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल, पहला एग्जांपल मैं अगर ले लूंगा तो फैन, ओके। तो एग्जांपल ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज नंबर वन, दैट इज माय फैन, ओके। तो फैन एक है एग्जांपल कंट्रोल सिस्टम। दूसरा है मेरा ट्रैफिक लाइट, ओके, ट्रैफिक सिग्नल। तो जब भी आप ट्रैफिक सिग्नल देखेंगे वो भी एक मेरा एग्जांपल ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तीसरा है मेरा वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, ओके, वो भी मेरा एग्जांपल ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो पहला एग्जांपल अगर हम देखेंगे, दैट इज माय फैन। तो फैन का काम क्या है वो हम क्या करेंगे, तो फैन है, अगर मैं एक सिंपल फैन ला के उसको फिटिंग कर दूंगा तो वो क्या करेगा, वो अभी मेरा जो उसका हाईएस्ट स्पीड है उसी स्पीड में वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा, क्लियर। तो वो हो गया एक सिस्टम। तो अभी हम क्या करेंगे, उस फैन को एक रेगुलेटर लगा देंगे उस फैन में। तब अगर हम उस फैन को एक रेगुलेटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो रेगुलेटर का काम क्या है, वो रेगुलेटर क्या करेगा, उस फैन को रेगुलेट करेगा, उस फैन का स्पीड को रेगुलेट करेगा, क्लियर। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम। तो फैन में क्या कितना स्पीड होता है रेगुलेटर का, 5 स्पीड होता है, 1 से लेकर 5 तक। तो हम रूम टेम्परेचर, हमको अगर ज़्यादा गर्मी लगेगा तो हम क्या करेंगे, फैन को 5 की स्पीड में रनिंग करेंगे। हमको अगर कम गर्मी लगेगा तो हम क्या करेंगे, उसको 2 और 1 में सेट करके उसका स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल में ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल लूँ तो ट्रैफिक लाइट में क्या होता है, तो ज़्यादा मेरा वहाँ पे 3 लाइट होता है, रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड मतलब अगर ट्रैफिक लाइट में आप लोग कहीं से जा रहे हैं तो ट्रैफिक लाइट अगर रेड है तो आपको वहाँ पे स्टॉप होना पड़ेगा, जो भी व्हीकल है वो स्टॉप हो जाएगा। येलो मीन्स आपको वेट करना पड़ेगा, ओके, एंड ग्रीन मीन्स आप उस लाइन में आप पास कर सकते हैं। तो ये जो तीनों लाइट है, अभी इस तीनों लाइट को हम लोग एक टाइमर के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको हम कुछ टाइमिंग दे देंगे तो एक साथ में तीनों लाइट ग्लो नहीं करेगा, पहले रेड होगा तो रेड जो होगा वो क्या करेगा, जो भी व्हीकल होगा वो स्टॉप हो जाएंगे, ओके। उसके बाद क्या होगा, कुछ ही देर के बाद जब दूसरे लेन से ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा तब क्या होगा, वो रेड से कन्वर्ट होगा येलो में, ठीक है। तो येलो के बाद क्या होगा, वो ग्रीन हो जाएगा। तो ग्रीन जब होगा तब आप क्या करना, उस लेन से आप चलना और जो भी ट्रैफिक है वहाँ से क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम। तो उस कंट्रोल सिस्टम में क्या है,
ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हम उसको तीन लाइट में डिवाइड किए हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो एक साथ तीनों लाइट ग्लो नहीं करेगा। रेड के लिए हम कुछ इनपुट फिक्स करेंगे, ठीक है, कुछ टाइमर, उसको टाइमिंग देंगे, उस टाइमिंग के बाद वो क्या करेगा, रेड से कन्वर्ट हो जाएगा मेरा येलो में। येलो के लिए भी कुछ टाइम हम लोग सेट करेंगे, उसके बाद वो येलो लाइट क्या करेगा, अभी कन्वर्ट होगा ग्रीन में। तो ग्रीन के लिए भी हम कुछ टाइमिंग वहाँ पे सेट करेंगे, उसके बाद वो फिर से रेड में कन्वर्ट होगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो अभी देखेंगे तो कंट्रोल सिस्टम में कितने टाइप का कंट्रोल सिस्टम है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम में मेरे को यहाँ पे दो तरह का कंट्रोल सिस्टम हम लोग डिस्कशन करेंगे। नंबर वन इज ओपन लूप, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, देन नंबर टू इज माय क्लोज लूप, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम। क्लियर? तो दोनों के दोनों जो कंट्रोल सिस्टम है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो अभी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला कंट्रोल सिस्टम हम लोग देखेंगे, दैट इज माय ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो पहला हेडिंग मैं ले रहा हूं, दैट इज माय ओपन लूप, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो मैं यहां पे बोलूंगा, इट इज ए कंट्रोल सिस्टम व्हिच इज कंट्रोल्ड, इट इज ए कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम इन व्हिच इट इज ए कंट्रोल सिस्टम इन व्हिच द कंट्रोल एक्शन, इन व्हिच द कंट्रोल एक्शन इज ओनली डिपेंड्स ऑन द इनपुट। ओके, तो अगर कंट्रोल सिस्टम का कंट्रोल एक्शन जो है, तो वो अभी क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो उसको हम बोलेंगे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होगा, सिंपल कंट्रोल सिस्टम है हमारा, तो एक कंट्रोल सिस्टम होगा, दिस इज माय कंट्रोल सिस्टम, तो उसको मैं इनपुट दे दूंगा। ओके, दिस इज माय इनपुट, और ये हो गया हमारा आउटपुट। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ ए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, दैट इज माई फैन। ओके, एग्जाम्पल क्या है, मैं अगर एग्जाम्पल का बात करूँ, सिंपल फैन, ट्रैफिक लाइट, ओके ट्रैफिक लाइट, तो ये हो गया हमारा एटसेट्रा, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल ऑफ ए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो अभी देखेंगे एग्जाम्पल लेके कैसे उसका जो कंट्रोल एक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है, आउटपुट के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए पहला एग्जाम्पल मैं ट्रैफिक लाइट का ले रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रैफिक लाइट में क्या होता है, मैं पहले से ही बता के रखा हूँ, मेरा तीन लाइट होते हैं, एक ग्रीन, देन येलो, देन रेड। ओके, तो अभी क्या कहेंगे हैं, अगर मैं ट्रैफिक लाइट में सेंसर नहीं लगा हुआ है, ट्रैफिक लाइट विदाउट सेंसर, तो क्या होगा, ट्रैफिक लाइट में हम लोग क्या करेंगे, उसको इनपुट देंगे, जो भी लाइट का जो है वो ग्लो करना स्टार्ट करेगा, तो उसको कुछ इनपुट दे रहे हैं, तो वो इनपुट हम कैसे फिक्स कर रहे हैं, तो उस इनपुट को हम टाइमर के साथ फिक्स कर रहे हैं। तो सपोज मैं बात कर रहा हूँ, रेड के लिए मैं फिक्स कर दिया हूँ 2 मिनट्स, उसके बाद 2 मिनट के बाद वो क्या करेगा, वो मेरा येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो के लिए मैं 1 मिनट सेट कर रहा हूँ, 1 मिनट के बाद वो क्या करेगा, फिर से ग्रीन को कन्वर्ट हो जाएगा, और ग्रीन के लिए मैं फिर से 2 मिनट सेट किया हूँ। तो इसका मतलब क्या है, तो मैं जा रहा हूँ ट्रैफिक सिग्नल के पास, मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा लाइट है वो मेरा रेड कलर है,
तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे वेट करूँगा। ओके, तो कितना टाइम वेट करूँगा, मेरे को 2 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले से ही इनपुट उसको फिक्स किया हूँ रेड लाइट के लिए 2 मिनट्स। तो 2 मिनट के बाद वो क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा मेरा ग्रीन में, क्लियर। उसके बाद जब वो ग्रीन से और एक मिनट के बाद वो सॉरी येलो से और एक मिनट के बाद वो ग्रीन में कन्वर्ट होगा, तब वो हम क्या करेंगे, चलना स्टार्ट करेंगे। तो हम कब तक चलेंगे, 2 मिनट तक, क्योंकि फिर से वो 2 मिनट के बाद ग्रीन लाइट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा रेड लाइट में, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी हम उसको इनपुट, हम एक फिक्स इनपुट और टाइमिंग हम फिक्स कर दिए हैं, उसका कोई आउटपुट के साथ लेना देना नहीं है। तो ग्रीन लाइट है मेरे पास, तो हम लोग चलना शुरू कर रहे हैं, तो मेरे पास ज़्यादा से ट्रैफिक है, तो वो जो लाइट है वो सेंस नहीं करेगा कितना ट्रैफिक है मेरे पास, है क्या नहीं। अगर ट्रैफिक नहीं है भी, वो क्या करेगा, वो ग्रीन 2 मिनट के बाद ही वो रेड होगा। ज़्यादा ट्रैफिक है तभी वो क्या करेगा, 2 मिनट के बाद ही वो रेड होना, रेड कलर और रेड लाइट ग्लो करेगा। तो अभी क्या है, मेरा आउटपुट है क्या, मैं आउटपुट जो है मेरे को एक लेन से ट्रैफिक क्लियर करना है, लेकिन जो मेरा कंट्रोल है वो क्या क्या है, इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ, वो आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। आउटपुट ज़्यादा ट्रैफिक है, ज़्यादा टाइम लगेगा वो नहीं है, क्योंकि इनपुट हम लोग एक फिक्स अमाउंट उसको कमांड दिए हैं, इनपुट कमांड जो है वो फिक्स है, 2 मिनट 1 मिनट एंड 2 मिनट। पहले 2 मिनट रेड के लिए, फिर 1 मिनट हम लोग दिए हैं येलो के लिए, फिर हम 2 मिनट दिए हैं ग्रीन के लिए, ठीक है। वो कौन सा कमांड लेगा, वो इनपुट का कमांड लेगा, वेदर आउटपुट क्या है, मतलब ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक हम लोग क्लियर करना है। तो ज़्यादा ट्रैफिक है वो ज़्यादा टाइम ग्रीन लेगा, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो जो जितना ट्रैफिक है तो 2 मिनट के बाद वो क्या करेगा, रेड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो क्या है, जो कंट्रोल एक्शन है वो क्या किया है, इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नॉट डिपेंड्स ऑन द आउटपुट, क्लियर। अगर मैं फैन के बात करूंगा, तो फैन में क्या है, मेरा 5 स्पीड है, 1 से लेके 5 तक। ओके, तो मान लीजिए मैं रूम का टेम्परेचर मेरा 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो मैं फैन को क्या किया हूँ, 5 के स्पीड में रन कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, अगर रूम का टेम्परेचर मान लीजिए 5 डिग्री ज़्यादा हो गया, क्लियर, 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, तब भी वो क्या किया है, 5 के स्पीड में, हाइट स्पीड वो 5 के स्पीड में रन करेगा। तो रूम के टेम्परेचर के हिसाब से वो उसका स्पीड जो कम बेसी होगा ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग उसका जो इनपुट स्पीड है वो 1 से लेकर 5 में हम लोग सेट किए हैं। तो जो कंट्रोल एक्शन है मेरा फैन में, हम लोग को क्या है, रूम के जो टेम्परेचर है वो कम करना पड़ेगा, ठीक है, रूम के टेम्परेचर को हम लोग कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन अगर रूम का टेम्परेचर मेरा बढ़ जाएगा, फिर भी जो इनपुट है उसी स्पीड से वो रन करेगा, क्लियर। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, जो कि इसका कंट्रोल एक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के बाद जो सेकेंड कंट्रोल सिस्टम आता है, नंबर 2, वो है मेरा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो यहां पे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन, इट इज ए कंट्रोल सिस्टम, मैं बोलूंगा इट इज ए कंट्रोल सिस्टम, क्लियर, इन व्हिच The control action, okay, depends on both the input and output. Okay, देखिए difference क्या है, open loop control system में control action क्या था मेरा, सिर्फ और सिर्फ इनपुट के ऊपर डिपेंड करता था, लेकिन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में मेरा जो कंट्रोल एक्शन है वो क्या करेगा, मेरा बोथ इनपुट एंड आउटपुट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर मैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का बात करूं,
तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है मेरा, तो उसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, ठीक है, दिस इज माय कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक फीडबैक सिग्नल आ जाएगा मेरा, ओके, दिस इज माय आउटपुट, दिस इज माय इनपुट, ओके। तो यहाँ से क्या होगा, एक फीडबैक पात आ जाएगा, दिस इज माय फीडबैक। तो ये हो गया मेरा एग्जाम्पल ऑफ है, सॉरी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, दैट इज माय एसी, ओके एसी। उसके बाद आएगा क्या, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट विथ सेंसर, ओके। तो विदाउट सेंसर जो है वो है मेरा एग्जाम्पल ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का, ट्रैफिक लाइट विथ सेंसर वो है एग्जाम्पल मेरा क्या, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। एसी जो है वो मेरा एग्जाम्पल है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का, फैन जो है वो है मेरा एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अभी ये फैन और एसी के बीच में डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस का अगर हम समझ जाएंगे तो हमको क्लोज लूप और ओपन लूप के बीच में क्या डिफरेंस है उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा था जो फैन था मेरा, वो फैन का जो स्पीड है वो कंस्टेंट है, 1 से लेके 5, उसी बीच में हम लोग क्या करेंगे, फैन का स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट इन द रूम टेम्परेचर, ओके। रूम टेम्परेचर अगर मेरा टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है तभी वो क्या करेगा, 1 से लेकर 5 के स्पीड में वो रोटेट करेगा। अगर 30 से 35 डिग्री हो गया फिर भी उसका स्पीड है वही 1 से लेकर 5 के बीच में वेरी करेगा, 35 से अगर 40 डिग्री हो जाएगा फिर भी उसका स्पीड क्या करेगा, 1 से लेकर 5 के बीच में ही वो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अभी एसी का बात करेंगे, तो जब हम एसी का बात करेंगे तो अगर हम घर में एसी लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, तो मेरा डिजायर्ड आउटपुट क्या है, यहाँ पे डिजायर्ड आउटपुट है मेरा, मैं अभी जो रूम का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस में फिक्स किया हूँ, 25 डिग्री सेल्सियस में मेरे को रूम का टेम्परेचर चाहिए, क्लियर। अभी एसी का टेम्परेचर क्या हुआ है मेरा, अभी क्या हुआ है, एसी का टेम्परेचर को हम लोग सेट किए हैं, दैट इज माई 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो जब एसी का टेम्परेचर को हम लोग रूम टेम्परेचर 25 डिग्री में सेट कर चुके हैं तो डिजायर्ड आउटपुट है मेरा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो जब एसी का सॉरी रूम का टेम्परेचर अगर मेरा ज़्यादा हो जाएगा, सपोज 25 से वो बढ़ के 30 डिग्री हो जाएगा, तब वो क्या करेगा, एसी को एक एरर सिग्नल भेजेगा, ठीक है, क्या, क्योंकि डिजायर्ड आउटपुट है मेरा 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेकिन क्या हुआ है, टेम्परेचर मेरा ज़्यादा हो रहा है, यू शुड बी रिड्यूस द टेम्परेचर। तो वो क्या करेगा, एसी क्या करेगा, अभी 30 से वो फिर से रिड्यूस करेगा किसको, टेम्परेचर को, टू सेट द डिजायर्ड आउटपुट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अभी ट्रैफिक लाइट की बात करेंगे, तो ट्रैफिक लाइट में देखिए अगर सेंसर नहीं है तो क्या है, तो उसके टाइम तो इनपुट है उसको हम फिक्स किए हैं 2 मिनट्स 1 मिनट एंड 2 मिनट्स, उसी हिसाब से वो रेड से लेके येलो, येलो से लेके ग्रीन लाइट को कन्वर्ट करेगा। अगर सेंसर लगा हुआ है तो वो सेंसर क्या करेगा, एक लेन में कितना ट्रैफिक है उसको वो सेंस करेगा, ओके, कितना ट्रैफिक है उसी को वो सेंस करेगा, उसी सेंसर सेंस के साथ, उसी ट्रैफिक सेंस के साथ वो क्या करेगा, इनपुट को कमांड देगा कि उसी लेन में ज़्यादा ट्रैफिक है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, तो ट्रैफिक क्लियर करने के लिए ग्रीन लाइट को 2 मिनट से चाहिए 4 मिनट, तो उस हिसाब से वो अपना टाइमिंग चेंज कर देगा, उस हिसाब से उसका इनपुट चेंज हो जाएगा, ओके। सपोज एक लेन में ट्रैफिक कम है तो 2 मिनट हम लोग सेट किए हैं, तभी सेंसर क्या करेगा, सेंस कर लेगा कि उस लेन में ट्रैफिक कम है, तो क्या करेगा, उस हिसाब से जो ग्रीन लाइट है वो टाइमिंग उसका कम हो जाएगा, 1 मिनट का में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में हम लोग क्या किए हैं, जो कंट्रोलिंग एक्शन है वो कंप्लीट
डिपेंड करता है आउटपुट के ऊपर, ठीक है। तो आउटपुट हम लोग फिक्स करेंगे, उस आउटपुट जो है डिजायर्ड आउटपुट को लेके हम लोग इनपुट वेरी करेंगे, ओके। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में एक फीडबैक पाथ आता है, वो क्या करेगा, एक एरर सिग्नल जेनरेट करेगा। तो चलिए उसी के बाद हम ऊपर बात करेंगे। तो जब हम तो उसी के ऊपर बात करने के लिए हम लोग एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल। ओके, तो एग्जांपल क्या है मेरा, तो मान लीजिए आप लोग घर से अपने जो घर है हाउस है, हाउस से लेके ओके हाउस से लेके आप लोग को आपका कॉलेज पहुंचना है, ओके आप लोग का कॉलेज पहुंचना है। सपोज आपके घर से लेके आपका कॉलेज का जो डिस्टेंस है मैं मान के चल रहा हूँ दैट इज माई 20 किलोमीटर्स, ओके फॉर एग्जाम्पल 20 किलोमीटर्स, ओके। तो आप लोग क्या किए हैं, तो घर से आप लोग कॉलेज पहुँचेंगे तो आपके पास एक बाइक है, तो आप बाइक से वो 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो आप बाइक में कवर करेंगे, क्लियर। तो जब आप घर से बाहर मतलब निकलेंगे कॉलेज के लिए, आपको बोल दिया होगा कि जो बाइक का स्पीड है, समझिए जो बाइक का स्पीड आप लोग जब बाइक चलाएंगे तो उसका जो स्पीड है वो क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, ओके 60 किलोमीटर पर आवर में आपको गाड़ी चलाना है। अभी देखिए मेरे को इनपुट अभी 60 किलोमीटर पर आवर फिक्स किया हूँ, सॉरी आउटपुट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा तो क्या है मेरे पास, अभी देखेंगे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ओके। तो मैं यहाँ पे आउटपुट, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये है मेरा क्लोज लूप सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम, सेंसर, सपोज दिस इज माई सेंसर, ओके। तो अभी देखिए दिस इज माई इनपुट, ये हो गया मेरा इनपुट, यहाँ पे मेरा आउटपुट। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे कंट्रोलर, कंट्रोलर, और ये है मेरा एक्चुएटर, और उसको हम बोलेंगे प्लांट, ओके एक्चुएटर और प्लांट आप कोई भी बोल सकते हैं, कोई कोई बुक में एक्चुएटर लिखा होगा तो कोई कोई बुक पे प्लांट भी लिखा होगा, ठीक है। तो अभी देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, एक एरर सिग्नल आएगा, दिस इज ए एरर सिग्नल, और यहाँ पे आएगा एक्चुएटिंग सिग्नल, एक्चुएटिंग सिग्नल, क्लियर, ओके। उसके बाद ये जो मेरा क्लोज लूप सिस्टम है अभी उसको रिलेट करेंगे मेरा उस एग्जांपल के साथ, क्लियर। तो चलिए मेरा जो बाइक का स्पीड है अभी कितना किलोमीटर पर आवर में है, 60 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो अभी मेरा जो इनपुट है वो अभी 60 किलोमीटर पर आवर, ओके पर आवर में सेट हुआ है, ओके। तो अभी हम क्या किए हैं, घर से 60 किलोमीटर पर आवर में के स्पीड से बाइक चला के कॉलेज तक हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए बीच में क्या होगा, जो मेरा स्पीड है अभी इंक्रीज हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, ओके। अभी वो क्या हुआ है, आउटपुट जो है मेरा वो अभी इंक्रीज हो गया 80 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपका इनपुट कितना फिक्स है, अभी फिक्स हुआ है मेरा इनपुट
60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो आउटपुट है अभी वो इंक्रीज हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। तो अभी क्या करेगा, आपका जो आँख है वो अभी देख रहा है स्पीडोमीटर को, क्या हुआ है मेरा स्पीड अभी 60 से इंक्रीज हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, तभी वो आग जो है, ये है मेरा आई, वो अभी सेंस कर लिया है क्या कि मेरा जो स्पीड है वो इंक्रीज हो गया कितना 20 किलोमीटर। अभी वो क्या करेगा, एक एरर सिग्नल जनरेट करेगा, दैट इज माय 20। तो अभी क्या हुआ है 80 किलोमीटर हो गया, यहाँ पे 80 किलोमीटर सेंस कर लिया क्या 80 किलोमीटर। ओके, जो सेंसर है वो अभी सेंस किया है कि मेरा स्पीड अभी इंक्रीज हो गया 80 किलोमीटर। तो अभी क्या किया है, वो इनपुट के साथ अभी कंपेयर करेगा मेरा स्पीड कितना होना चाहिए 60 किलोमीटर, लेकिन अभी स्पीड कितना हुआ है 80 किलोमीटर। तो अभी एक एरर सिग्नल जनरेट हुआ कितना ना 20 किलोमीटर पर आवर। तो अभी एरर सिग्नल कितना हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, वो क्या है मेरे को स्पीड डिक्रीज करना है। तो अभी कंट्रोलर को जो कंट्रोल हो रहा है, यहाँ पे कंट्रोलर कौन सा है, ब्रेन। तो मेरा ब्रेन है, तो कंट्रोलर को अभी सिग्नल पहुँच गया क्या कि मेरे को इनपुट था 60 किलोमीटर, लेकिन अभी मेरा स्पीड इंक्रीज हो गया 80 किलोमीटर, तो मेरे को 20 किलोमीटर स्पीड डिक्रीज करना है। तो कंट्रोलर अभी क्या करेगा, किसको कमांड देगा, प्लांट और एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या है, मेरा हैंड। तो अभी उसको कमांड देगा क्या, यू शुड रिड्यूस योर स्पीड, यू शुड रिड्यूस योर स्पीड टू 60 किलोमीटर सो दैट माई आउटपुट इज 60 किलोमीटर, सो दैट माई आउटपुट इज 60 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। सो दिस इज द कंप्लीट रेस्पॉन्स ऑफ ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अभी मैं मान के चल रहा हूँ मेरा स्पीड जो है मेरा डिक्रीज हो गया 40 किलोमीटर, ओके पर आवर। सपोज मैं चल रहा हूँ ओके, मेरे पास रास्ते में बहुत ज़्यादा मतलब रोड डिवाइडर आ गया, ठीक है, रोड डिवाइडर और हम्स, उसको हम्स बोलते हैं, हम्स आ गया। तभी क्या हुआ है, मेरा जो स्पीड है अभी 40 किलोमीटर रिड्यूस हो गया। तो 40 किलोमीटर अगर रिड्यूस हो गया, तभी सेंसर आई क्या किया है, स्पीडोमीटर को देख के बोलेगा, अरे मेरे को स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर चाहिए, लेकिन मैं अभी 40 किलोमीटर पर आवर में चल रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, एक सिग्नल भेज देगा इनपुट के साथ कंपेयर करके, एक एरर सिग्नल भेजेगा कि इंक्रीज योर स्पीड टू 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, तभी मेरे को चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मेरा स्पीड है 40 किलोमीटर आवर। तो कंट्रोलर ब्रेन को सिग्नल जाएगा क्या कि यू शुड इंक्रीज योर स्पीड टू 20 किलोमीटर पर आवर। तो कंट्रोलर कभी क्या करेगा, एक्चुएटर को सिग्नल भेजेगा कि यू शुड इंक्रीज योर स्पीड, दैट इज माई हैंड, यू शुड इंक्रीज योर स्पीड टू 20 किलोमीटर पर आवर, फॉर दैट यू शुड मैच द आउटपुट, दैट इज माई 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, अगर मैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का बात करूँ, तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक कंट्रोलर होगा, ओके, देन एक मेरा आएगा एक्चुएटर, एक्चुएटर और प्लांट, और उसको हम बोलेंगे प्लांट, और मेरा आएगा आउटपुट, दिस इज माई इनपुट। सो ये हो गया मेरा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ये हो गया मेरा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लियर। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो चलिए उसका कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड माय क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लियर। सो नेक्स्ट हेडिंग इज डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, तब मैं यहां पे बोल रहा हूं दिस इज माई ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और यहां पे आएगा मेरा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो हम लोग ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का हम लोग ब्लॉक डायग्राम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो मैं अगर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का बात करूं, व्हाट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, तो उसका ब्लॉक डायग्राम कुछ ये हो जाएगा, दैट इज माई कंट्रोलर, उसके बाद यह आएगा हमारा प्लांट और एक्चुएटर, प्लांट और एक्चुएटर, दिस इज माई आउटपुट, ये हो जाएगा हमारा इनपुट। क्लियर? अगर सिमिलरली मैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे देखूंगा तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, तो यहाँ पे इसका ब्लॉक डायग्राम हो जाएगा कुछ इस तरह। तो ये है मेरा ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, दिस इज माई कंट्रोलर, उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा प्लांट दिस इज योर आउटपुट, तो यहाँ से एक सेंसर आएगा दिस इज ए सेंसर। ओके, दिस इज माई इनपुट, तो उसका ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह है क्लोज लूप का। ओके, तो डेफिनेशन क्या है मेरा ओपन लूप क्लोज मेरा कंट्रोल सिस्टम का, द कंट्रोल एक्शन, कंट्रोल एक्शन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट, ये मेरा आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का कंट्रोल एक्शन। लेकिन इसका क्या है, द कंट्रोल एक्शन इज डिपेंड्स ऑन आउटपुट एंड इनपुट बोथ। ओके, आउटपुट और इनपुट दोनों के ऊपर वो डिपेंड करेगा कंट्रोल एक्शन। ओके, नंबर थ्री इज हियर द फीडबैक पाथ इज द फीडबैक पाथ, यहां पर देखिए फीडबैक पाथ इज एब्सेंट, तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक पाथ मेरा एब्सेंट है, लेकिन जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है यहां पे क्या है, द फीडबैक पाथ इज प्रेजेंट, तो यहां पे एक फीडबैक पाथ मेरा प्रेजेंट रहेगा फॉर ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो उसके बाद नंबर थ्री होगा, इट इज इजी टू डिजाइन, तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन, जो डिजाइन है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का वो मेरा इजी है एज कंपेयर टू मेरा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इट इज डिफिकल्ट टू डिजाइन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आएगा क्या, तो इट इज इकोनॉमिकल, जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है इट इज इकोनॉमिकल बट इट इज नॉट इकोनॉमिकल, इट इज कॉस्टलियर, इट इज कॉस्टलियर। ओके, एंड इट इज इनएक्यूरेट, ओके
इट इज इनएक्यूरेट, इट इज इनएक्यूरेट। जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है वो मेरा इनएक्यूरेट रिजल्ट देगा, लेकिन इट इज एक्यूरेट, इट इज एक्यूरेट। उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो आउटपुट आएगा, एक आउट एक्यूरेट आउटपुट मेरे को मिलेगा। इट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड माय क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो मैं ज़्यादातर ज़्यादा कौन सा कंट्रोल सिस्टम यूज करूँगा, ओके, ओपन लूप और मेरा क्लोज लूप। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा हम लोग ज़्यादा से तो ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं, क्योंकि ये मेरा एक एक्यूरेट रिजल्ट और एक एक्यूरेट आउटपुट वो देता है इसके लिए। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये डिफ़िकल्ट, इसका जो डिजाइन प्रोसेस है डिफ़िकल्ट है एज कम्पेयर टू ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। इट इज़ कॉस्टलियर एज कम्पेयर टू ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, बट इट इज गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट। तो ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है, इसके लिए मैं ज़्यादातर ज़्यादा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम यूज करता हूँ, जहाँ पे भी मेरा एक फीडबैक पाथ प्रेजेंट रहता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड माई क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ओके। तो इस लेक्चर को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी कुछ टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।